उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 टेस्ट के टॉपर 26,382 पदों पर भर्ती, अब की बार सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर में। मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका संडे को टेस्ट होता, आप सब प्यारे मित्र जानते ही हैं कि संडे को आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट में कुछ ऐसे भी प्यारे मित्र हैं जिनके प्रदर्शन अच्छे रहे हैं। मैं इस वीडियो में उनकी फोटोज के साथ साथ उनके नेम भी दिखाने वाले हैं और उनके कुल कितने प्रश्न सही हो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अभी के बाद सिलेक्शन लेना आसान है। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ और किस आधार पर कह रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना आपके बाद आसान है आपके लिए, तो चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। हुनर जीतने का और मंजिल की आस रखता हूँ, मंजिल कितनी भी कठिन हो खुद पर विश्वास रखता हूँ। कहने का मतलब क्या है समझ के होंगे मेरे प्यारे भाई, पहले आप देखो। हुनर जीतने का और मंजिल की आश रखता हूँ, मंजिल कितनी भी कठिन हो खुद पर विश्वास रखता हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो ये मैं दावा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कहने का मतलब है पूरी जीजान पूरी शिद्दत के साथ अगर आप लगे हैं तो गाइस ये निश्चित है, ये 100% है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ये दावा मैं करता हूँ कि आपको वर्दी मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाई, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा, पूरी जान के साथ लगे रहना है। कर चलो गाइस कि अंतिम आपके पास 60-65 दिन बचे हैं, कहा जाए तो अंतिम 60 दिनों की आपकी तैयारी है। ये अंतिम 60 दिनों का संघर्ष जो है ये आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। सो प्लीज सभी प्यारे भाई बहन पूरी जान के साथ लगे रहें जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है। आइए हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं मैं जो टेस्ट लेता हूं ये होता है आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, इसके अलावा हेड ऑपरेटर का, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो गाइस आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आपका संडे को टेस्ट होता है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है। अब मैं ये बात कर लेता हूँ गाइस टॉपर्स की, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लो कुछ बच्चों के यहाँ पर फोटोज़ के साथ नाम भी लिखे गए हैं। मैं आप सबको बता दूँ गाइस कि मैं फोटोज इसलिए दिखाता हूँ ताकि बच्चे के मन में और भी उत्साह बढ़े हुए और भी तैयारी करने की कोशिश करें, इसीलिए गाइस मैं फोटोज भी दिखाता हूँ। और मैं फोटो इसलिए दिखाता हूँ गाइस, इसका कारण ये भी है कि अगर मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप ये भी सोचेंगे कि अगली बार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि हमारा भी फोटो आए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी फोटोज आ जाएगी। ये तो गाइस मैं अपनी वीडियो में ही दिखा रहा हूँ, जिस दिन मैं आपके सिलेक्शन वाली गाइस वीडियो लेकर आऊंगा कि हमारे चैनल पर इतने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है गाइस, उस दिन मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि जो भी प्यारे भाई बहन टेस्ट में शामिल होते हैं, जो भी हमारे प्यारे मित्र हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, जो भी पूरी लगन निरंतरता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो शिवानी पांडे हैं, इनका 129 क्वेश्चन सही था, 160 क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। मौसिमा इनका 129 सही थे, भानु के 128, सौरभ गुप्ता के 128, कपिल के 127, दीपक के 125, इसके अलावा अरविंद के 118, ठाकुर साहब के 117, राहुल बघेल के 116, विशाल यादव के 116, सैजल सिंह के 116, मतलब इन तीनों का गाइस बहुत ही सेम ही मार्क्स है। इसके अलावा मतलब शिवानी पांडे और मौसिम का सेम मार्क्स है, इसके अलावा भानु और सौरभ गुप्ता का सेम मार्क्स है, ठीक है। इसके अलावा देख लो राज का 115 सही है, सौरभ शुक्ला का 115 सही है और हरी राम का 112 क्वेश्चन राइट है। मेरे भाई, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका गाइस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और अगर ये लगन निरंतरता के साथ इसी तरीके से आगे पढ़ाई करते रहे तो मैं दावा करता हूँ गाइस कि आने वाले दिनों में इनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, निश्चित रूप से इन सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ मेरे भाई, यहाँ पर आप देख लो, इसके अलावा आप देख लो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, तो गाइस मैंने जो ऊपर दिखाया है यहाँ पर देख लो, शिवानी पांडे 129, भानु प्रताप सिंह के 128 सही हैं, वहीं सौरभ गुप्ता के 128 क्वेश्चन सही हैं, कपिल के 127 सही हैं, दीपक कुशवाहा के 125 सही हैं, जूही का 122 सही है, सविता यादव का 119 सही है, अरविंद कुमार का 118 सही है, अजय कुमार का 118 सही है, ठाकुर साहब का 117, राहुल बघेल का 116, विशाल यादव 116, सैजल सिंह 116, सौरभ शुक्ला 115, राज 115, श्वेता सिंह 113, मानसी शर्मा 113 और हरिनाम 112, ये गाइस बच्चे हैं। इसके अलावा आप देख लो जो 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं वो भी बच्चे यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे रत्नाकर तिवारी का 109 क्वेश्चन सही है, सुबोध कुमार का 108 क्वेश्चन सही है, मनोज कुमार भारती का 106, हर्षित पांडे का 104, सत्येंद्र का 104, खुशी तिवारी 102, पारुल 101, निशांक यादव 100, नेहा प्रजापति 100। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई और भी बच्चे हैं यहाँ पर देख लो, आदित्य यादव के 99 सही है, राहुल यादव के 97 सही है,
अहमद हसन के 97 सही है, शिवम दीक्षित के 95 क्वेश्चन सही है, मोना के 95 क्वेश्चन सही है, सालू के 95 सही है, राघवराज कश्यप के 94 क्वेश्चन सही है, चीनू राल के 90 क्वेश्चन राइट हैं, प्रिया सिंह के 89 क्वेश्चन राइट हैं, करीना के 85 क्वेश्चन राइट हैं, सुमित कुमार के 83 क्वेश्चन सही हैं, प्रीति कश्यप के 83 सही हैं, रोली तिवारी के 78, प्रियंका सिंह तोमर के 77 क्वेश्चन सही हैं, आरती कुमारी का 77 क्वेश्चन सही है, शुभम यादव का 70, जागृति सिंह का 70। मेरे भाई और भी बच्चे थे लेकिन मैंने सारे के गैस यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखे हैं, जिनके कुछ अच्छे प्रदर्शन थे मैंने उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपका इसमें नेम आया है या फिर नहीं, अगर आया है तो आपका नेम किस में आया है, सौ के आंकड़े पार कर चुके हैं उसमें आया है या फिर उसके नीचे रेंज में आया है। मेरे भाई पूरी जान के साथ लगे रहो, अगली बार टेस्ट होगा तो आपका भी फोटोज के साथ नेम आना चाहिए, ठीक है। पूरी जान के साथ तैयारी करते रहिए, मैं आपका टेस्ट डेली लेता हूँ। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूँ, जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का गाइस एग्जाम होने वाला है, मान कर चलो कि अंतिम 60 दिन आपके पास समय है, और मैं आप सबको यहाँ पर बता दूँ कि आज यानी कि आज आपकी हिंदी की जो क्लास होगी मेरे भाई, जैसे कि हिंदी में आपके हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे भाई जैसे यहाँ पर आप हिंदी देख लो, हिंदी में आपका क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये आज आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे आज अगर कंप्लीट नहीं हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो दो तीन क्लास में, मतलब दो तीन क्लास के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन को बनाया जाएगा और दो तीन क्लास के अंदर सब कुछ आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से संबंधित, जैसे हिंदी वर्णमाला एक टॉपिक में क्लियर किया जाएगा, एक वीडियो में क्लियर किया जाएगा, तत्सम तत्व पर्यायवाची क्लियर किया जाएगा, मतलब एक एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे हम आपकी गाइस, आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, ठीक है। आप पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका सिलेक्शन तो करवा कर ही रहूँगा। इसके अलावा मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे विज्ञान और सामान्य ज्ञान में बात करें, जैसे भौतिक जगत और मापन, ये गाइस मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, आपने देख लिया होगा। शुद्ध गति की जो है गाइस, ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर सामान्य ज्ञान में गाइस कहा जाए, तो सामान्य ज्ञान का तो मतलब ये गाइस विविध हो जाएगा, ये तो मैं किसी दिन करवा ही दूंगा। इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी आपका गाइस, जैसे सामान्य विज्ञान में एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बायोलॉजी के एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, केमिस्ट्री के, सामान्य विज्ञान की बात की जा रही है, ठीक है, आ सकते हैं, आ सकने की बात करें, हालांकि इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिजिक्स तो आपका कन्फर्म है, ठीक है। इसके अलावा भारत का इतिहास गाइस मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसकी मैराथन वीडियो गाइस आपकी मिली होगी, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप गाइस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि परसों यानी कि आपका जो मतलब तारीख होगा वह होगा 14 अप्रैल, मेरे भाई 14 अप्रैल को शाम 7:30 बजे आपकी भारतीय संविधान से संबंधित वीडियो आ जाएगी, मैराथन क्लास हो जाएगी, आप पूरी तरीके से देख लीजिएगा, पूरा भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन को आप मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदी जो है मेरे भाई, ये हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं ये आपकी होती है गाइस 7 बजे, क्लासेस की होती है, कब होती है 7 बजे होती है, तो आप हिंदी की क्लास 7 बजे देख लीजिएगा, और जो गाइस आपकी जीके की क्लास होती है 7:30 बजे हो जाती है, ठीक है। मैं ये बता दूं गाइस कि दो तीन क्लास में आपका कवर किया जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो 14 अप्रैल को आप सब तैयार रहेंगे भाई बहन, भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन को मैं कवर कर लूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि हम तैयार हैं भारतीय संविधान के इस महामैराथन में शामिल होने के लिए, मेरे भाई कमेंट में जरूर बताना। फिर मैं एक दिन आपका कवर कर दूंगा गाइस भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संबंधित, फिर दूसरे दिन भारतीय कृषि से संबंधित, वाणिज्य व्यापार से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, मतलब एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। अंतिम 60-65 दिन आपके पास बचे हैं गाइस, और ये 60-65 दिन आपके लिए बहुत ही अहम, और मैं 60-65 दिन नहीं गाइस कहा जाए तो मैं एक महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आपकी गाइस लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका सिलेक्शन तो करवा कर ही लूंगा। लेकिन मेरे भाई आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप भी इस क्लास को कम से कम मित्र तक शेयर तो कर ही दिया करो, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं गाइस तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को अपने मित्र तक शेयर ही कर दिया करो गाइस। ना तो मैं कोई कोर्स लॉन्च करता हूं, ना ही मैं आपसे कोई पैसे लेता हूं, आप सब समझते हैं गाइस कि मैंने ये ठाना है कि जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन मैं करवा दूं, और जिनके भी गाइस आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मैं उनके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं। मैंने आज तक आपसे कभी भी कोई भी गाइस पेड कोर्स की लॉन्च करने की बात नहीं की, ना ही मैंने आपसे कभी कहा कि कोई पैसे दो। जैसे मैं टेस्ट लेता हूं गाइस, उसका भी आपका टेस्ट बिल्कुल फ्री में होता है, क्लासेस आपकी होती हैं सारी फ्री में होती हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिलती है फ्री में देता हूं, मैंने कई सारी बुक्स दी है बिल्कुल फ्री में दी है, मतलब जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूं गाइस बिल्कुल आपका फ्री ही रहने वाला है। तो जो भी मित्र अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, मतलब इस इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, वे वीडियो को लाइक कर देंगे, और आप अपनी जिम्मेदारी को समझ
दीजिए मेरे प्यारे भाई, आप इस वीडियो को अपने मित्र तक जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो भी आपका स्टडी ग्रुप बना है, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं गाइस, उस पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्र तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, मैं बात करूंगा 26,382 पदों पर। तो देखो 26,382 पदों पर भर्ती की बात गाइस, आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा दूँ पहले, यहाँ पर आप देख ही सकते हो गाइस, पहले ही बता दिया गया था, देख लो यहाँ पर सिविल पुलिस में 26,210 सिपाहियों, 172 फायरमैन की भर्ती के लिए जून में विज्ञापन आएगा। बता दिया गया कब इसका विज्ञापन आ जाएगा, जून में आ जाएगा। भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही कंपनी का नाम तय होने के बाद जून में भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस भर्ती के लिए अक्टूबर में लिखित परीक्षा और दिसंबर में दौड़ करवाने की तैयारी कर रहा है। आपने यहाँ पर देख लिया इसकी परीक्षा कब करवाई जाएगी, बता दिया गया है पहले ही कि अक्टूबर में। मतलब मेरे भाई अगर कहा जाए तो मानकर चलो ये आपका अप्रैल ही जोड़ लिया जाए अगर, तो आज हो चुके हैं गाइस आपकी 12 अप्रैल। ठीक है, यानी कि गाइस इसमें आप 15 दिन इसमें ले लो तो अप्रैल पूरा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब गाइस आपके पास कहा जाए तो मात्र 5 से 6 महीने के समय हैं। और 5 से 6 महीने अगर आप पूरी जान के साथ लगे रहो, और अगर आप ये 5-6 महीने गाइस पूरी जान के साथ अप्लाई कर लो, तो ये दावा है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और मेरे भाई अगर ये 5-6 महीने आप हमें देते हो तो मैं आप सबका सिलेक्शन ज़रूर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आपके मैथ की भी गाइस, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर आप देख लो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें गाइस आपकी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सरणीकरण भी आपका चल रहा है, आप देखे होंगे, आपका गाइस फिर क्लास आ जाएगी डेसिमल एंड फ्रैक्शन का, मतलब दशमलव और भिन्न का, मतलब एक एक टॉपिक में गाइस सिलेबस वाइज आपका कंप्लीट करवा दूंगा, आप चिंता बिल्कुल भी न कीजिए। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सिलेबस वाइज पढ़ाइए, तो मैं सिलेबस वाइज आपका कंप्लीट करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, सारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर ही हमारी ये मेहनत आप सबको कैसी लग रही है गाइस, मैं आपके लिए जितना भी त्याग कर सकता हूँ, आपके लिए जितनी मेहनत कर सकता हूँ, पूरी संभव कोशिश रहती है। आप हमारी इस मेहनत को गाइस किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से समझते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन या फिर यूपी पुलिस के बारे में कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी भी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन वीडियो से अंदर ही मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।